पत्थर दिल हो गई है, पिघलती नहीं। उतानपाद महाराज ने लाख कोशिश की, पर सुरुचि नहीं पिघली। बड़ी हिंसक स्वभाव की है। अंत में महाराज उतानपाद को थोड़ा सा क्रोध आ गया। उतानपाद महाराज ने पत्नी को फिर समझाया, देवी मेरे दो पैर हैं, मेरी दोनों जंगाएं खाली हैं, बाएं पैर की जंगा पर मैं तेरे बच्चे को बिठा के रखता हूं और दाहिने पैर की जंगा पर मैं ध्रुव को बिठाता हूं। तेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ता और उसे भी बिठा लूंगा, पर तू मुझे आज्ञा तो दे। सुरुचि ने कहा, कुछ भी हो मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में इस बच्चे को गोद में लेने की आज्ञा नहीं दे सकती, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारी गोद में बैठा तो तुम्हारा मान कम हो जाएगा, क्योंकि ये दासी का बेटा है। बार बार दासी 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 कह करके उतानपाद महाराज का दिमाग खराब कर दिया उसने। उतानपाद ने कहा, स्त्री भले ही दासी थी पर अंश तो मेरा है, इसीलिए मेरा अधिकार है कि उसे मैं गोद में लूं। सुरुचि ने वचन दिया, अगर तुमने सुनीति के पुत्र ध्रुव को गोद में लिया तो फिर मुझे भूल जाओ, या तो ये बालक तुम्हारे साथ रहेगा या मैं रहूंगी। पर जो स्त्री भोगी पुरुष होते हैं वो पुत्र की फिक्र नहीं करते, बच्चे की। राजा स्त्री के विबंधन में आया और स्त्री की आधीनता में राजा ने आकर के अपने आप को चुप चुप बिठा लिया। बच्चे ने फिर कहा, पिताजी मुझे गोद में ले लो। उतानपाद से नहीं रहा गया, उत्तम को बाजू में रख दिया और बच्चे के दर्द को देखकर उतानपाद खड़े हुए और बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़े तो उससे आगे ही वो मौसी बढ़ गई। और जैसे उतानपाद ने हाथ बढ़ाया बच्चे को उठाने के लिए, सुरुचि ने उठाकर बच्चे को ऊपर से दूर फेंक दिया। पांच वर्ष का बच्चा है, जब दूर फेंका तो बच्चा रोने लग गया। महाराज के महल में दास और दासियां खड़ी थी, बच्चे को रोते हुए देखा, ना ही तो पिता उठाता है और ना ही मां उठाती है, बच्चा अकेला पड़ गया रो रहा है। दास दासियां भी दीवाल पकड़ के रोने लगे पर किसी की हिम्मत नहीं सुरुचि के आगे कि बच्चे को जाकर उठाएं और चुप करें। ध्रुव के मन में गिलानी आ गई। ध्रुव ने सोचा, ये पिता और मौसी की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी मां की है जो मुझे यहां पर भेजा है। अगर मेरी मां कह देती कि वो तेरा पिता नहीं है तो मैं यहां क्यों आता, पर अगर रोते हुए मैं मां के पास में गया तो मेरी मां मेरा दुख नहीं देख सकती, इसीलिए वो भी रोने लग जाएगी। इसीलिए ध्रुव ने जल्दी से आंसू पोंछ लिया। मां के पेट में इतना पढ़ा दिया है मां ने उसको, अगर मैं रोऊंगा तो मेरी मां को पीड़ा होगी और मां को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। मेरी वजह से मेरी मां को दर्द नहीं होना चाहिए, जो हुआ है वो मेरे कर्मों का फल है, उसमें मैं अपनी मां को नहीं जोड़ना चाहता। ध्रुव आंसू पहुंचकर अपनी मां के पास वापस जाता है। उससे पहले एक दासी सुनीति को जाकर बताती है, मैया सुनीति तुम्हारा पुत्र आंगन में सुरुचि के रो रहा है। सुरुचि माता ने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, धक्का मार दिया है। सुनीति ने जब यह शब्द सुना तो सुनीति आंगन छोड़कर दौड़ पड़ी अपने बच्चे के लिए। बच्चे को सामने से आता हुआ देखा, सुनीति सोच रही होगी कि रोता आएगा,
पर बच्चे का दिल तो रो रहा है पर आंखें पोंछ ली है। मां दौड़कर आई, गोद में उठा लिया, छाती से लगाकर बार बार पूछ रही है, सच बता पुत्र मेरे, तेरे साथ क्या हुआ है? बच्चा बोलता नहीं। मां ने कहा कि तुझे मेरे दूध की सौगंध बता, हुआ क्या है? बच्चे ने कहा कि अगर मैंने सही कह दिया तो मेरे पिता की इसमें बदनामी है, और अपने पिता की बदनामी करना ही सबसे बड़ा अपराध है पुत्र के लिए। जो बेटा बेटी अपने मां बाप की बदनामी करे उससे बड़ा और अपराध दुनिया में कोई हो सकता नहीं। 5 वर्ष का बच्चा यह जानता है कि मैंने अपने पिता की बुराई को मां को बता दिया तो मुझे पाप लग जाएगा, इसलिए मां ने आंचल का भी सौगंध दी है तो भी बेटा कबूल करता नहीं। रो रो कर सुनीति माता पुत्र को विचार रही है, बेटा बोल तुझे हुआ क्या है? बेटा बोल। बेटे ने कहा, मां तुमने मुझे जिस काम के लिए भेजा वो काम मेरा सफल हो गया। तुमने पिताजी की गोद में बैठने के लिए मुझे कहा था, जैसे ही मैं पिताजी के आंगन में गया कि मैंने प्रणाम किया है, उसी समय मैंने पिताजी से अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरे पिताजी ने खड़े होकर के उत्तम भैया को नीचे उतार दिया और मुझे गोद में ले लिया। मैं पिता की गोद में खेलकर आनंद लेकर आ रहा हूं। ध्रुव की ये बातें सुनकर दासी बाजू में खड़ी खड़ी हिलकी मार के रो रही है। हिलकी मार कर, क्योंकि दासी ने आंखों से देखा क्या हो रहा था। ध्रुव को धक्के मार मार के घर से निकाला है और ये ध्रुव कहता है कि मुझे पिता ने गोद में खिलाकर मुझे आनंद दिया है। सुनीति दासी की तरफ देखती है, दासी रोए जा रही है। अरे दासी, मेरे पुत्र को तो महाराज ने गोद में खिलाया है पर तूने आके झूठा झूठा क्यों बताया? दासी चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, मैया मैं तुम्हारे नमक खाकर तुम्हारे चरणों की सौगंध लेती हूं, तुम्हारा पुत्र इतना संस्कारी है कि वो पिता की सही बात भी तुम्हें बता के नहीं देता। जो बात पति पत्नी में, माता पिता में झगड़ा करवा दे, ऐसी बात बच्चों को कभी एक दूसरे से कभी नहीं बतानी चाहिए। जो पिताजी से मां को दूर कर दे, मां से पिताजी को दूर कर दे, ऐसी कोई भी बुराई तुमने किसी में देखी वो मम्मी से पापा से कभी मत कहो। ध्रुव ने नहीं कहा। दासी झूठी बन रही है। सुनीति ने कहा, दासी तूने मेरे पति का अपमान किया है। दासी और रोई, ध्रुव के चरण पकड़ लिए। दासी ने कहा, हे ध्रुव पुत्र, महाराज का अपमान करने का आरोप मुझे लग रहा है, इसलिए तुम सच बताओ तुम्हारे पिता ने क्या किया है? ध्रुव रो पड़े और रोकर कहने लगे, मैया मेरे पिताजी का कोई दोष नहीं है, मेरे पिताजी स्त्री के सुख में मग्न हो गए हैं, इसके कारण उनकी मति भंग हो गई है। फिर भी मेरे पिता ने तो मुझे लेने की कोशिश की पर वो जो मेरी मौसी है उस मौसी ने उठाकर मुझे दूर फेंक दिया और कहा कि तू दासी का पुत्र है। मैया आरोप तो अब न पिता का है न मौसी का है, आरोप तो तुम्हारा है। तुम दासी हो फिर भी महारानी बन के बैठी हो। अरे तुम दासी हो तो मुझे पहले ही बता दिया होता कि मैं तुम्हारा दास पुत्र हूं, तो मैं राजा की गोद में बैठने की कल्पना भी मन में नहीं लाता। सुनीति माता कैसे समझाए, रो रो के भर रही है हृदय को, अपने ही मन को समझा रही है। सुनीति ने समझ लिया, जब ये पेट में था तब भी इसका ध्यान नहीं दिया, अब ये बाहर आया है तो भी इसे ध्यान नहीं दिया, जब ये बड़ा होगा तब भी इसका कोई ध्यान नहीं देगा, इसीलिए जब इसका कोई है ही नहीं तो मैं इसका आप कैसे निर्माण करूंगा। अच्छी मां सुनीति आज अपने ही पुत्र का भाग्य खोलना चाहती है,
देखिए चार प्रकार से भगवान मिलता है आदमी को। वैराग्य चार प्रकार से होता है, या तो वैराग्य ज्ञान से होगा, या तो वैराग्य प्रेम से होगा, और या तो वैराग्य क्रोध से होगा, और या वैराग्य दोष से होगा। दोष आज ध्रुव के अंदर वैराग्य पैदा कर रही है, क्योंकि आज दोष का समय है। राजा को और रानी दोनों को दोष लग गया है, इस दोष के कारण ये बच्चा आज वैरागी बन सकता है, और 5 वर्ष की उम्र में वैरागी बन गया तो आगे चल के महान आत्मा बन जाएगा। देखिए अति भोगेन दुर्लक्षम, किसी चीज को ज्यादा भोग लीजिए आपको वैराग्य हो जाएगा उस चीज से, या किसी चीज से तुम ज्यादा प्यार कर लो उससे भी तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। तुम्हें रबड़ी कितनी भी अच्छी लगती हो, रबड़ी तुम्हारे मुंह के सामने है और तुम्हारी भी खाने की तीव्र इच्छा हो रही है, पर जैसे ही तुमने रबड़ी में चम्मच डाली और मुंह में डालने वाले हो, उसी समय किसी दूसरे आदमी ने कहा कि थोड़ी देर पहले इस रबड़ी को मैंने कुत्ते को मुंह मारते देखा, तो मुंह में जाते जाते रबड़ी नीचे आ जाएगी। इसको कहते हैं दोष वैराग्य। जब किसी चीज में दोष आ जाता है तो आदमी को अपने आप ही संसार से वैराग्य हो जाता है। तो तुमको जो अच्छा लगे चारों में से कोई सा भी वैराग्य ले लीजिए। तेन तक तेन भुंजी था माग्रधा कस्य सिद्धनम्। त्याग का जीवन आदमी को सिद्धि दिलवाता है, सिद्धि। त्याग के जीवन से शक्ति मिलती है, धन मिलता है, कीर्ति मिलती है, आनंद मिलता है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रवृत्ति मिलती है, शीलता मिलती है, गुण मिलता है, स्वरूप मिलता है, स्टेज मिलती है, गद्दी मिलती है, और समाज मिलता है, और देश में एक नया स्थान मिलता है। त्याग से तुम्हारे अंदर त्याग नहीं है तो जीवन भर दुखी रहोगे। थोड़ा सा संसार का त्याग करो, थोड़ा सुख का त्याग करो, थोड़ा नींद का त्याग करो, जल्दी से सुखी हो जाओगे। अच्छा तुम सही बताओ, जो लोग मुझे देखते ही वो ये बता दो कि मैं कितना सोता हूं, जो लोग मुझे देखते हैं वो ये बताओ कि मैं कितना खाता हूं, और जो लोग मुझे देखते हैं वो ये बता दो मैं पढ़ता कितना हूं। सब जानते हैं, सबको पता है, जितना कम खाओगे, जितना कम सोएंगे, उतनी ही उन्नति ज्यादा करेंगे, उतने ही श्रेष्ठ ज्यादा बनेंगे। बुद्धि उतना ही काम ज्यादा करेगी, विचार उतना ही प्रबल होगा, आत्मा में उतना ही निखार आएगा। ये मेरा शब्द नहीं है, तुम्हारा है। कौन सा सोया सो, ये तुम लोग कहते, मैं थोड़ी कहता। सोया सो खोया, जागा सो पाया। मैया सुनती अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी और समझाने लगी। मौका मिल गया मैया को अपने बच्चे का निर्माण करने का। बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझसे झूठ बोला। दरअसल में सही बात तो यह है कि शादी करने के बाद जब तू मेरे पेट में आया उसी समय तेरा पापा वनवास चला गया है। दरअसल में मैया पहले सच बोल रही थी, अब झूठ बोल रही है।
महाराज इंद्रदेव अभी कह रहे थे 2 घंटे पहले, राष्ट्र का निर्माण हो, बच्चे का निर्माण हो, बच्चा उन्नति की ओर जा रहा हो तो मैया बाप कितने भी झूठ बोलो पर बच्चे को उन्नति करवाओ। अब माने झूठ बोला, तेरा बाप ये महल वाला नहीं है, तेरा बाप तो जंगल में चला गया है और जब से गया है लौट के नहीं आया। अगर तुझे बाप की गोद में बैठने का इतना ही शौक चढ़ रहा है तो घर छोड़ के जंगल में चला जा और किसी से पता पूछ ले और अपने बाप की गोद में बैठ करके आनंद उठा ले। ध्रुव ने कहा, मैया अगर तू सत्य कह रही है तो अवश्य ही मैं जंगल जाऊंगा। आज मैया सुनीति ने अपने लाला को तैयार कर दिया और कहा, जाओ एक बार महल में जाकर जिस मौसी ने तुझे धक्का दिया है उस मौसी का चरण बंधन कर लो। मां की आज्ञा कभी नहीं टालता। दुश्मन ईर्षा जलन करने वाली मौसी के पास गया और प्रणाम किया, मैया ओ मौसी मैया मुझे आशीर्वाद दो, अभी मैं जंगल जा रहा हूं अपने पिता की खोज करने, अगर मेरा पिता मिल गया तो बस मैं तुम्हारे आशीर्वाद का ऋणी हो जाऊंगा। सुरुचि ने कहा, अच्छा है जाओ तुम्हारी कामना पूरी हो। सुरुचि ने यह आशीर्वाद तो दे दिया पर सुरुचि को आशीर्वाद देते समय भाव कुछ और ही था। ये छोटा बालक जंगल में जाएगा, ऐसे बालकों को कहां पिता मिलेंगे कहां मां मिलेंगे, जंगल में तो शेर बैठा है भूखा, इस बच्चे को जंगल में खा जाएगा। जब यह बच्चा नहीं रहेगा तो मेरे ही बेटे को सारा साम्राज्य राज्य मिल जाएगा। पर किसी भी भावना से तुम मुंह से कुछ बोल दीजिए कभी कभी वो भी सत्य हो जाता है। तो यहां पर मेरे सतगुरु देव ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को दुश्मन भी आशीर्वाद देते हैं वो व्यक्ति कभी भी सफल होने में विफल होता नहीं है। आज मौसी ने आशीर्वाद लाला को दे दिया तो लाला जंगल की तरफ चल पड़ा। भूतेषु स्नेहि सेनेहि पदं पदं तदगतं पदं देव गक्षामि भूत वनस्सते। बालक छोटा है, घर से धीरे 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 निकला, बार बार मुड़ के मां को देखने लगा। चलते चलते मां दिखना बंद हो गई, जैसे ही मां के दिखने की रोशनी बंद हुई उसी समय सूर्य अस्त हो गया, रात हो गई। जब रात हुई तो बालक जंगल में जा चुका है। जैसे ही बच्चा जंगल में पहुंचा चारों तरफ से अलग अलग अजीब अजीब आवाज बच्चे को सुनाई पड़ी। कोई आवाज शेर की है, कोई भालू की है। बच्चा घबराने लगा, बच्चा रोने लगा। बच्चे ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान किया और मन ही मन कहने लगा, हे प्रभु मेरी माँ मुझे रात को रोज सुनाया करती थी कहानी, जो भगवान को दुखी होकर सच्चे हृदय से याद करता है भगवान उसकी कामना पूरी करता है, इसलिए हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो सब जानते हो, इस अवस्था में छोटी सी में मैं तो अभी 5 वर्ष का हूं, इस अवस्था में मुझे घर से बाहर किया गया है, रात अंधेरी है, चारों तरफ से शेर भालू मुझे खाने दौड़ रहे हैं, हे राम मुझे मेरी मां की याद आ रही है, इस जंगल में मुझे कोई बेटा कहने वाला नहीं है, मुझे मेरी माते मिलाओ नहीं तो मुझे मेरे पिता का पता बताओ। सच्ची हृदय से बालक ने भगवान से फरियाद की।
उसी समय भगवान विष्णु ने नारद जी को बालक के पास में भेज दिया। नारद जी वहां पर प्रस्तुत हो गए। नारद जी ने कहा, कुतो वत्सम भगवता बालकौ योग समाहितम् तिष्ठम् तिष्ठम् भजेत् रामा कतो भूतम् कस्यसि। ओ बालक, ओ बेटा, तुम कौन हो? यहां अकेले जंगल में बैठे हो, जल्दी घर चले जाओ, नहीं तो कोई शेर आकर तुम्हें खा जाएगा। बालक की आंख खुली, बालक ने सोचा, आंख बंद करके मैंने भगवान से मांगा कि मुझे कोई बेटा कहने वाला जंगल में चाहिए, तो आवाज कानों में गई, बेटा तुम कौन हो? बालक को भगवान की भक्ति पे भरोसा हो गया, सच्चे दिल से जो मांगा वो मिल गया है तो पिता भी मिल जाएगा, क्योंकि मां मिल गई। आंखें खोली हैं तो नारद जी का दर्शन हुआ, अच्छी मां का बच्चा है। नारद जी को खड़े होकर प्रणाम किया, बाबा मेरी मां ने मुझे जंगल भेजा है। नारद जी ने कहा, जंगल क्यों भेजा है? तो कहा, मेरे पिताजी जंगल में आए हैं और मैं अपने पिता का एड्रेस पूछ रहा हूं, पता पूछ रहा हूं। अगर आप जंगल में रहते हैं तो आप मुझे मेरे पिता का पता बताओ। नारद जी ने कहा कि भैया, तेरे पिता का नाम क्या है? तेरे पिता कैसे हैं? कपड़े कैसे पहनते हैं? तेरे पिता की चोटी है, केस है, जटा है, माथे पे तिलक है, क्या है? कोई पहचान बताओ तो मैं बताऊंगा। नारद जी को पहचान बताई बालक ने, मेरे पिता की। कमर बागंभर गले पीतांबर हाथ कमंडल जिनके, राम नाम है उनका ऐसा मां बतलाए। नारद जी, मेरी मां ने कहा है कि पीतांबर डाला है गले में, वैजंती माला है, बागंबर है, कमंडल है, माथे पे त्रिमुंड वैष्णव तिलक है और उनका नाम है राम। नारद जी उस बालक की बात सुनकर दक रह गए। नारद जी ने कहा, लगता है ये बच्चा बहुत नादान है। भैया, जिस आदमी का तुम पता पूछ रहे हो ना, इस पते पर करोड़ों ऋषि मुनि भटक रहे जंगल में, पर किसी को नहीं मिला ये बाप। अरे तू तो कल परसों का है, तेरे तो दूध के दांत भी अभी उखड़े नहीं, इसलिए जाओ अपने घर जाओ और गाय का दूध पीकर पहले बलवान हो जाओ और उसके बाद इस राम को ढूंढने के लिए निकलना। ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही मजबूत है। इस बच्चे ने कहा, बाबा अगर आपको मेरे पिताजी का एड्रेस पता नहीं है तो आप ही जाओ, मैं क्यों जाऊं? नारद जी अचकित रह गए। नारद जी ने कहा कि पहली बार कोई ऐसा चेला बनेगा जो मेरा जीवन धन्य कर देगा। नारद जी ने कहा, इस बालक को चेला अगर बना लिया तो मेरा नाम रोशन हो जाएगा, क्योंकि भगवान को मां बाप के रूप में जो ढूंढ रहा है वास्तव में वही शिष्य पक्का शिष्य गुरु का बनता है और वही गुरु सफल होता है। नारद जी ने और भी ठोक बजा के देखा। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें पता तो बता दूंगा, पर जैसे ही तुम आगे वाले मोड़ पे जाओगे तो वहां पर एक खूंखार जानवर यानी कि शेर खड़ा है, वो तुम्हें यूं ही खा जाएगा।
वहां से बच गए तो आगे भालू वो खाएगा, वहां से बचे तो वहां पर चोर खड़े वो तुम्हें चुरा के ले जाएंगे। बालक ने कहा भगवान को ढूंढते ढूंढते अगर कोई खा जाए तो भी जीवन का सौभाग्य पूरा हो जाता है। भगवान का भजन करते करते अगर कोई मृत्यु हो जाए तो फिर इससे बड़ा सौभाग्य किसका है। तो बालक ने नारद जी को जवाब दिया कि भगवान का केवल पता बताओ, अगर मैं उनके पीछे जाते 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 मृत्यु को प्राप्त भी हो गया तो भी मुझे तो भगवान का द्वार मिल ही जाएगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल मजबूत है ये बालक। नारद जी ने बालक को उठाया और उसके कान में मंत्र दिया और कहा जो मैंने तुम्हें मंत्र अर्थात ये पता जो बताया है, जब तक तुम इसके घर न पहुंच जाओ तब तक इसको भूलना मत, इसे जपते रहना जपते रहना जपते रहना जपते रहना जपते रहना। हाँ, इसको तुम अपने अंदर रख लो। आज नारद जी ने मंत्र दे दिया और उस मंत्र को लेकर के ये छोटा सा ध्रुव नाम का बालक कहां पर आया है, जहां पर महाराज इंद्रदेव तुम सबको लेके आया है, यही वो वृंदावन है और बाजू यमुना के तट पे मधुबन है। ये बालक मधुबन की तरफ चला है अपने घर से। और क्या नाम लेके जा रहा है और कौन से एड्रेस को जपते जपते जा रहा है, हम थोड़ी देर के लिए उस मंत्र का जाप कर लें क्योंकि हम वृंदावन तो आए हैं, मधुबन पहुंचने में थोड़ी ही देर है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आवाज नहीं आ रही है, मधुबन तक तो जानी चाहिए तो सुनेगा ना वो मधुबन का सांवरिया। सुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दुर्वान गच्छामि तदगतं यमुना तटैर्वेदितं। ध्रुव यमुना के तट पर आए और ध्रुव जी ने आकर यमुना महारानी को अर्थात भक्ति रूपणा को जो प्रभु से मिलाती है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति माने यमुना का स्वरूप बताया है जो निरप्रभा बह रही है, जिनकी भक्ति रूपी यमुना निरप्रभा बहती है, जिसमें कभी अविरोध नहीं आता, जो कभी बहने से नहीं थमती है, वही श्याम से मिलाती है। अगर तुम्हारी भक्ति रूपी यमुना बहने से रुक गई तो श्याम से मिलने में बाधा आ जाएगी। ध्रुव ने प्रणाम किया माता को भक्ति को और यमुना का जल लिया है और आचमन किया। भगवान का ध्यान करने के लिए आचमन अवश्य करो। आचमन करने से जीभा प्राण चित्त शुद्ध होता है। आचमन करके मां से प्रणाम करके कहा मां जब तक मेरा सामर्थ्य है तब तक मैं अब आपका दर्शन नहीं ले पाऊंगा, संसार का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रभु के ध्यान में आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, मुझे अनुमति दीजिए। यमुना महारानी प्रसन्न हो गई, बच्चे को शीतल कर दिया और अपनी गोद में अर्थात अपने तट पर भगवान ध्रुव को बिठा लिया। और जैसे ही ध्रुव बैठे हैं तो अनंत भूषितम भूषितम अनंत भूषितम योगः,
ध्रुव बैठ गए मधुबन में, इरी ध्रुव हो वो ध्रुव बैठ गए मधुबन में, और दिल लग गयो हरि भजन मेरे, 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 बैठ गए मधुबन मेरे, बैठ गए मधुबन मेरे, दिल लग गयो हरि भजन मेरे, मन लग गयो हरि भजन मेरे, लग गयो हरि भजन मेरे। अच्छे भगत के साथ में अगर चलोगे तो कम भक्ति में भी नैया पार लग जाएंगे। ज्यादा तैरने वाले के साथ में नदी में कूद जाओ तो उसका हाथ पकड़ के भी नदी पार कर सकते हो। इसीलिए ध्रुव जो है ये बड़े समुद्र में तैरना जानता है, इसका पीछा कर लोगे तो तुम भी यमुना से पार हो जाओगे और मधुबन में पहुंच जाओगे। मधुबन में गए सावरिया के पास में, ध्रुव जी क्या हुआ वहां? मुझे प्यार है तुम्हें से, इकरार है तुम्हें से, मुझे प्यार है तुम्हें से, इकरार है तुम्हें से, प्रभु हमसे मिला करो, हमें दर्शन दिया करो, प्रभु हमसे मिला करो, हमें दर्शन दिया करो, हमें दर्शन दिया करो, प्रभु हमसे मिला करो, हमें दर्शन दिया करो, हमें प्यार है तुम्हें से, इकरार है तुम्हें से, प्रभु हमसे मिला करो, हमें दर्शन दिया करो, प्रभु हमसे मिला करो, हमें दर्शन दिया करो। हमें दर्शन दिया करो, मुझे प्यार है तुम्हें से, इकरार है तुम्हें से, प्रभु हमसे मिला करो, हमें दर्शन दिया करो।
करो हमें दर्शन दिया करो हमें प्यार है तुम्हीं से इकरार है तुम्हीं से प्रभु हमसे मिला करो हमें दर्शन दिया करो रात भर अग्नि पे बैठ के निकाल ली सुबह 4 बजे आ गए लक्ष्मी दरवाजा खोलो पार्वती सरस्वती 4 बजे दरवाजा खोलिए 4 बजे देवताओं की पत्नी सोती नहीं है 4 बजे घर के दरवाजे खुल जाने चाहिए जो स्त्री 4 बजे घर का दरवाजा खोलती है उसे नारायण के पैरों का दर्शन मिल जाता है 4 बजे घर का नहा धो करके चौकट को पानी से पहुंच दीजिए और उस पे स्वास्तिक डालो या सिंदूर डालो भगवान के स्वागत की तैयारी करो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म विष्णु महेश में से कोई भी देवता अपने काम के लिए तुम्हारे घर जरूर पधारेगा उनका वही समय है आने जाने का और उस समय पर तुम सोते रहे तो भगवान चले जाएंगे और समझ जाएंगे कि इसका घर नहीं इसका दरवाजा नहीं खुलता इसके कारण इसके घर नहीं जाना चाहिए फिर भगवान तुम्हारे घर पे नहीं तुम्हारे घर पे निद्रा और दरिद्रता भेजता है लक्ष्मी ने दरवाजा खोला शर्त रखी धरती लोक पर अनुसुईया नाम की औरत का जब तक तुम व्रत नहीं बिगाड़ोगे तब तक मैं अंदर नहीं लूंगी भगवान ने आपत्ति काल में समझौता कर लिया और कह दिया ठीक है तू जो कहेगी वही करूंगा दरवाजा खोल मेरी नित्य क्रिया पूरी हो जाएगी फिर मैं बाद में देखूंगा करना क्या है लक्ष्मी सरस्वती पार्वती ने दरवाजा खोला तीनों देवता अंदर महल में गए नित्य कर्म पूरा किया पत्नियों ने कहा कि जाओ पहले मेरा काम करके आओ तीनों देवता घर के बाहर आए तीनों ने आपातकालीन बैठक ली और सोचा करना क्या है तो भगवान विष्णु ने कहा कि घर में शांति रखनी है तो चलना ही पड़ेगा धरती पर अब आप समझ रहे हैं कथा क्या सिखा रही है वैकुंठ में शांति चाहिए ब्रह्मलोक में शांति चाहिए कैलाश पे शांति चाहिए तो धरती पे आना पड़ेगा बिना धरती के शांति कहीं भी मिलने वाली वैकुंठ में शांति नहीं है ब्रह्मलोक में शांति नहीं है भैया शांति तो यहाँ मिलती है क्यों जहाँ पर भागवत है जहाँ पर रामायण है जहाँ पर लीला है कृष्ण की जहाँ पर रास है जहाँ पर गोपी है जहाँ पर गुरु है जहाँ पर ब्राह्मण है जहाँ पर साधु है जहाँ पर संत है जहाँ पर वीरता है जहाँ पर योग्यता है वहीं पर शांति मिलेगी अन्यथा शांति कहीं नहीं है दर्शनम शांति भूत योगम आपनोति यत्र दर्शन तदगतम आत्मभूतानं भागवतो रसैवः यत्र दर्शनं तस्य पश्यामि पश्यं योग नेत्राणं नेत्रभूत योग ते अग्निभूतो दर्शनम् तथा योगो आत्मभूत भूत योगो आत्मनः मन योग चित्त निवृत्ति तथा भूतो परमेश्वरः बिना धरती का आसन लगाए हुए कभी निवृत्ति नहीं होगी तुम्हारे रोगों की व्याधियों की भोगों की त्रासों की क्लेशों की इसलिए धरती की जरूरत पड़ेगी ही बिना धरती के संसार कहां बनता है इसलिए बंधुओं धरती पर सबसे ज्यादा स्वर्ग है सुख है आनंद है जहां भक्ति करने का अवसर है वहीं स्वर्ग और शांति है तीनों देवता अनुसुईया माता के घर पहुंचे तीनों देवताओं ने आज ब्राह्मण का रूप बनाया वस्त्र अलंकार भूषण उतार दिए यज्ञोपवीत डालकर पीताम्बर डाल हाथ में कमंडल लिया अनुसुईया के घर पहुंचे ही
यज्ञ करने के बाद अनुसुईया दरवाजे पर ब्राह्मण के आने का इंतजार ही कर रही है कि इतनी देर में तीन ब्राह्मण पहुंचे, तेज ओज से भरे हुए। अनुसुईया ने तीनों का रूप देखा तो लज्जित हो गई। आज तो मेरी भक्ति सफल हुई। घर के बाहर निकलते ही तीन तीन तेजस्वी ब्राह्मणों का दर्शन हो गया। पूरा दिन मेरा अच्छा चला जाएगा। घर से निकलने के बाद में किसी सज्जन का दर्शन होगा तो अवश्य ही एक्सीडेंट से बच जाओगे, और घर के निकलने के बाद में किसी काले का दर्शन कर लिया तो नहीं मरोगे तो भी मर जाओगे। दुर्जन की संगत बुरी कि दुर्जन की संगत बुरी भलो साई को त्रास, कि दुर्जन की संगत बुरी भलो साई को त्रास, और जब सूरज गर्मी करे तब ही बरसन की आस। सियावल रामचंद्र की जय। करहु प्रताप रग रजनी तब देखो रवि सम माही, रवि चमकत हरि हर तही पाप गए विसराही। जब तक तुम्हारी भक्ति का सूर्य की तरह तेज तुम्हारे शरीर में नहीं आता है तब तक तुम्हारे पापों का विनाश नहीं होता है। इसलिए पापों का विनाश करने के लिए अपनी भक्ति को सूर्य की तरह चमकीला बनाना पड़ेगा। तुम्हारी भक्ति कमजोर है फल कैसे देगी? जैसे खेती में कमजोरी रहेगी खेती तुम्हारा मन नहीं भरती है, तुम्हारे बेटा बेटी कमजोर रहे वो तुम्हारा मन नहीं भरते हैं, ऐसे भक्ति कमजोर रही वो भी तुम्हारे मन को नहीं भर सकती। खेती अच्छी मन को भरती है, बेटा बेटा अच्छी मन को भरता है, वैसे ही तुम ध्यान रखो भक्ति अच्छी करोगे तो ही मन भरेगा। साधु संतों को खम खम परेशान करते हो, मन नहीं लग रहा मन नहीं लग रहा है। छोटी छोटी भक्ति मन लगेगा कैसे? भक्ति को मजबूत करो तो मन लगेगा। अनुसुईया बाहर आई, अदीयताम भिक्षा अपनोति दीयते भिक्षा गृह्यताम। हे देवी भिक्षा दीजिए, हम दूसरे लोक से आए हैं, आज हमें तुम्हारे घर का प्रसाद लेना है। अनुसुईया धन्य हो गया, मेरे घर पर आज कोई ब्राह्मण भीख मांगने आया है मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। कोई ब्राह्मण हमारे घर अनुदान करने आ जाए तो पहले यजमान अपने आप को भगवान समझते थे, अभी कोई ब्राह्मण किसी के यहाँ अनुदान लेने गए तो यजमान उसे गाली देते, इनको तो यही हो गया, आदत हो गई है इनकी। ये ब्राह्मण कितने महान हैं, तुम्हारे घर से भिक्षा लेकर तुम्हारे धन को पवित्र कर देते हैं और अपने जीवन को अपवित्र कर लेते हैं। इनसे ज्यादा और क्या परोपकार चाहिए ब्राह्मणों से तुमको? तुम्हारे जीवन को शुद्ध करते, तुम्हारी दुनिया भर के दुखों को ले लेते। अनुसुईया ने कहा महाराज लीजिए आप क्या लेंगे दान? तो कहा दान देने से पहले हमारा शर्त ले लो, हमारा नियम सुन लो, अगर हमें भिक्षा करना चाहती हो तो सुनो।
हमें भिक्षा देने से पहले तुम्हें अपने सारे वस्त्रों को अलंकृत करना पड़ेगा। जब तक तुम अपने इंद्रियों से ओझल नहीं होंगे तब तक हम तुम्हारे हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे। अनुसुईया ने आंखें बंद कर ली। आवाज सुनकर, शब्द सुनकर और धर्म संकट में पड़ी। उसी समय नारायण का ध्यान करने लगे हैं। जब कभी धर्म संकट आ जाए उसी समय नारायण के ध्यान में चले जाओ तो जरूर कोई मार्ग निकल जाएगा। अनुसुईया भगवान के ध्यान में चली गई। मैं कहाँ फंस गई प्रभु मुझे बताओ। अगर मैंने आज नग्न होकर इन्हें भिक्षा दी तो पति का धर्म चला जाएगा और अगर इन्हें भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म चला जाएगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण को बिना दिए भोजन नहीं करती हूँ। अंदर भगवान श्री नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय अंदर से भावना और विचार प्रकट हुए। हे देवी, पति का धर्म बाद में पालो, पहले अपना धर्म पूरा करो। सबसे बड़ा धर्म अपना होता है। अपना धर्म अगर सत्य हो गया तो सभी धर्म सत्य हो जाते हैं। राम के भरोसे पर तुम अपना धर्म करो। इन तीनों बालकों को, तीनों ब्राह्मणों को तुम दान देने की स्वीकृति दे दो। अनुसुईया माता ने आत्मा की आवाज को सुन लिया और तीनों को नग्न होकर भोजन कराने का निश्चय कर लिया। अनुसुईया माता ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण की छोरी, इसलिए मंत्र बोल दिया। जल स्नानम संजत वेदः, वेद के द्वारा पंडित को आचमन कराती, हस्त प्रक्षालन है पवित्र अवसु वेदायाम। पवित्रता के लिए जल डाला है, आंख बंद करके जल डाल रही हैं, आंखों ही आंखों में समझ में नहीं आया। परमपिता परमात्मा ने अनुसुईया का धर्म निभाने के लिए अपने आप के रूप को छोटा कर लिया। तीनों के तीनों देवता छोटे रूप में प्रस्तुत हो गए। अनुसुईया ने आंखें खोलकर देखा, छोटे छोटे तीन बच्चे उनके दरवाजे पर। अनुसुईया हर्षित हो गई और उन तीनों बच्चों को उठाया और अंदर ले गई। और अंदर ले जाकर उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और दरवाजे बंद करके अपने वस्त्र निकाल दिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लीला हुई है, चमत्कार हुआ है कि जिसने कभी गर्भ धारण नहीं किया उस स्त्री के आंचल में दूध कैसे आ गया। जैसे ही भगवान के लिए आंचल खोला उसी समय भगवान के लिए दूध टपकने लगा। अनुसुईया ने सोच लिया, उन तीन ब्राह्मणों की सेवा में झूठी पड़ गई, पर ये अनाथ बच्चे किसी के दरवाजे पे मिले, इनकी सेवा मैंने कर ली। तो भगवान और सतगुरु और कथा कहती है, जो अनाथ की सेवा कर ले वही दीनानाथ की सेवा के फल का प्राप्ति का मालिक हो जाता है। आज दीन दुखियों की सेवा समझ के मैया ने अपना आंचल उनके मुँह में डाल दिया। आंचल पिलाकर मैया ने लाला को पालने में डाला है। वस्त्र पहनकर मैया लाला को झुला रही है। अत्रि मुनि का आगमन हुआ। तीन बच्चों को अत्रि मुनि ने घर में देखा तो थोड़ी देर मन में शंका पैदा हुई।